दोस्तों, आज मैं आपको गवर्नेंस में एक टॉपिक टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर। तो शुरू करने से पहले बता दूँ कि भारत में कलेक्टर पद को लेकर थोड़ी एकरूपता नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि हर राज्य में कलेक्टर को कलेक्टर नहीं कहते। उदाहरण के लिए कर्नाटक, असम, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कलेक्टर को डेप्यूटी कमिश्नर कहते हैं। मैंने जितने नाम बोले, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, आसाम, आसोम नाम हो गया इसका, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, ठीक है, इन राज्यों में इसको डेप्यूटी कमिश्नर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उपायुक्त कहा जाता है इतने राज्यों में, जबकि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी कहते हैं। क्लियर है? और बाकी अन्य राज्यों में इसे कलेक्टर कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया आपको कि कुछ राज्यों में डिप्टी कमिश्नर, ये राज्य है हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, असम और लद्दाख, ठीक है, वेस्ट बंगाल और यूपी में जो कहते हैं इसको मजिस्ट्रेट डीएम कहते हैं, और बाकी अन्य राज्यों में कलेक्टर कहते हैं, जैसे राजस्थान में कलेक्टर, मध्य प्रदेश में कलेक्टर, ठीक है। यहां तक अब बात आती है कि यह पद कब से और कैसे कैसे बना, तो समझते हैं इसको। एक्चुअली जब मुगल काल चल रहा था, मुगल काल पहले चल रहा था, तो मुगल काल में डिस्ट्रिक्ट जो होती थी, आज जो जिले होते हैं डिस्ट्रिक्ट, मुगल काल में उनको सरकार कहते थे, सरकार। और जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड आज कलेक्टर होता है, उसे उस टाइम पर करोड़ी फौजदार कहते थे। क्लियर वे? नहीं। लेकिन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर नाम का पद बनाया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर नाम का पद बनाया और इसका काम जो था वो सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू कलेक्शन था, मतलब राजस्व एकत्रित करना था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट। लेकिन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर नाम का पद बनाया, किसके लिए? रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। लेकिन 1787 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे मजिस्ट्रेट की पावर भी दे दी, दंडाधिकारी की, मतलब अब इसका जो का नाम हो गया वो हो गया कलेक्टर कम मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब समझना यहां से पूरा का पूरा सीन है। 1772 में कलेक्टर, 1787 में कलेक्टर के साथ साथ मजिस्ट्रेट, ठीक है। और ये जो मजिस्ट्रेट था, ये दोनों काम करता था, आज के डीएम के भी काम करता था और आज के जज के भी काम करता, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट जज होता है ना, उसके भी काम करता था। ठीक है, यहां तक आजादी तक यही कहानी चली रही, इसी का नाम मजिस्ट्रेट कम कलेक्टर होता था। लेकिन 1973 में एक कानून पास हुआ, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। इसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दो भागों में बना दिया गया, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर दिया गया जिसे डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर दिया गया जिसे डीएम कहते हैं। अर्थात अब वर्तमान में 1973 के बाद जिलाधिकारी जो रह गया वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर कम मजिस्ट्रेट रह गया है, ठीक है, जिसे कुछ राज्यों में कलेक्टर। दोस्तों, अब बात आती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे काम करता है। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं
कि एक डिस्ट्रिक्ट जिला है तो जिले में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, 10-20 डिपार्टमेंट, यानी 20-30 से ज़्यादा ही होंगे, छोटे छोटे तो बहुत ही हो सकते हैं, कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो तटीय राज्य हैं, वहाँ मछली पालन विभाग भी होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, हर जिले में, भारत के सारे जिलों में 3 डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग, इसका हेड खुद DM होता है डायरेक्ट, मतलब ये किसी के अंडर में नहीं होता है, डिपार्टमेंट DM के कलेक्टर में होता है, कलेक्टर के कंट्रोल में होता है, क्योंकि रेवेन्यू ही इसका काम है, रेवेन्यू कलेक्शन, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डायरेक्ट कंट्रोल में काम करता है। और एक डिपार्टमेंट होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन विभाग, ये भी DM के डायरेक्ट कंट्रोल में काम करता है। जैसे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, जैसे कल शराब की दुकानें बंद रहेंगे, ड्राई डे होगा, तो ये GAD से जारी होता है, कल स्कूल बंद होंगे, ये GAD से जारी होता है, मतलब जितने भी आदेश जारी होते हैं वो सब यहीं से होते हैं, ठीक है। तो ये DM भी खुद के कंट्रोल में होता है, DM किसी और में हस्तक्षेप नहीं करवाता। एक डिपार्टमेंट है रजिस्ट्रेशन, ये DM के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, रजिस्ट्रेशन, जैसे शराब की दुकान का रजिस्ट्रेशन करना है, होटल खोलना है, पेट्रोल पंप लेना है, या सिनेमा हॉल खोलना है, या कोई भी ऐसी चीज जिसका रजिस्ट्रेशन लेना है, वो DM के डायरेक्ट कंट्रोल में होगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो DM के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते, DM के इनडायरेक्ट कंट्रोल में होते, अप्रत्यक्ष नियंत्रण। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट SP के अंडर में होता है और SP DM के अंडर में होता है। अब समझना, अब टेढ़ा पॉइंट है, मैंने जो ब्लैक कलर में लिखे हैं वो तीनों डिपार्टमेंट DM के डायरेक्ट कंट्रोल में, और जो ये लिखे हैं ये DM के इनडायरेक्ट कंट्रोल में। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो SP या SSP के कंट्रोल में है, लेकिन SP या SSP DM के कंट्रोल में है, क्लियर है। मेडिकल जो है वो CMO के कंट्रोल में है, लेकिन CMO DM के कंट्रोल में है। फॉरेस्ट जो है वो DFO, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के कंट्रोल में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर DM के कंट्रोल में है। अर्थात जो रेड लिखे हैं वो DM के इनडायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, क्लियर हो गया। जैसे डेवलपमेंट CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के कंट्रोल में है, और ये DM के इनडायरेक्ट कंट्रोल में है। जैसे जेल, सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल कंट्रोल में है, लेकिन जेल जो है वो DM के डायरेक्ट कंट्रोल में, इनडायरेक्ट कंट्रोल में है, क्लियर है। और ऐसे अदर जो होंगे वो भी अदर हेड के कंट्रोल में होंगे, लेकिन वो DM के इनडायरेक्ट कंट्रोल में होंगे, क्लियर हो गया। तो अब इसको इस प्रकार समझे, जिले में 50 विभाग है, मान लो 50 में से 3 विभाग DM के डायरेक्ट कंट्रोल में है, DM खुद देखेगा उनको, लेकिन बाकी विभाग ऐसा नहीं है कि DM के कंट्रोल में नहीं है, नहीं है, लेकिन DM के अंडर में दूसरा बंदा है वो देखता है, DM उसको देखता है। जैसे जैसे इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो DM खुद जिम्मेदार है, खुद मरेगा। इसमें पुलिस में कोई प्रॉब्लम होगी तो DM SP से पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, और SP अपने नीचे बात करेगा। इसका मतलब इन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी खुद DM की है, और जो बाकी डिपार्टमेंट है उनकी जिम्मेदारी DM के साथ साथ दूसरा हेड भी है उसकी भी है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो SP भी फंसेगा और DM दोनों फंसेंगे। मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होगी तो CMO भी फंसेगा और DM भी फंसेगा। मैं एग्जाम्पल सबके दे सकता हूँ, मथुरा में जवाहर कांड हुआ था तो SP भी हटाया गया और DM भी हटाया गया, क्यों, क्योंकि DM के इनडायरेक्ट कंट्रोल में था पुलिस डिपार्टमेंट, और पुलिस डिपार्टमेंट डायरेक्टली SP के कंट्रोल में था, इसलिए दोनों हटे। कुछ दिन पहले गोरखपुर में एक बार ऑक्सीजन की समस्या के कारण बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई थी, बीमार पड़ गए थे, याद होगा, तो उस कारण CMO को भी हटाया गया, चीफ मेडिकल ऑफिसर को भी, और DM को भी हटाया गया, क्योंकि DM इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था और CMO डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था, क्लियर है। तो अतः जिले के सारे विभाग DM के 3 विभाग डायरेक्ट में और बाकी विभाग इनडायरेक्ट में, ठीक है, लेकिन बाकी जो विभागों के इंचार्ज हैं वो DM उन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है कि जिले में DM के काम क्या है, फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो जिलाधिकारी केवल 4 कार्य करता है, 4 फंक्शंस, 4 काम है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम कलेक्टर, ठीक है। पहला रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मींस राजस्व प्रशासन। जिले के जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन के काम होंगे वो सब DM करेगा, जैसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, जैसे लैंड रेवेन्यू में आप समझ रहे होंगे जो रजिस्ट्री होती है, स्टाम्प पेपर जो लगते हैं, वो सारा पैसा जो आता है वो DM कलेक्ट करवाता है SDM तहसीलदार के माध्यम से। किसी पर बकाया है, कोई लोन लिया किसी ने वापस नहीं किया, किसी को लोन डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सब DM मैनेज करेगा।
अभी किसी को ग्रांट देना है, कहीं पर नदी में बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गया, तो सरकार ने मुआवजा दिया तो डीएम दिलवाएगा, मतलब जो भी राजस्व से संबंधित, रेवेन्यू से संबंधित सारी जिम्मेदारियां हैं, वो इसका पहला काम है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, कानून एवं व्यवस्था प्रशासन। इसका मतलब है जिले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जैसे अभी कोरोना में, कोरोना के समय में रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन घोषित करना, शराब की दुकानें खोलना खुलवाना, मार्केट कितने बजे खुलेगा कितने बजे बंद होगा, लोगों का आवागमन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सब लॉ एंड ऑर्डर का काम है। इसमें रेवेन्यू वाले में कलेक्टर खुद जिम्मेदार था अकेला, इस वाले में डीएम भी रेस्पॉन्सिबल और एसपी भी रेस्पॉन्सिबल है, दोनों जिम्मेदार हैं, कोई भी गड़बड़ होगी तो, क्लियर है। और तीसरा काम है इसका डेवलपमेंट, विकास करवाना, जिले में सड़कें हैं, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को मैनेज करना, और इस डेवलपमेंट के लिए सीडीओ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर उसकी मदद करता है, ठीक। और इसके चौथा काम है उसका अदर, अन्य कार्य, अन्य में जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर है, वो जिला जनगणना अधिकारी, 10 साल में जनगणना होती है वो करवाता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल ऑफिसर है, जिला प्रोटोकॉल अधिकारी, ठीक है, प्रोटोकॉल का मतलब जिला वरीयता अधिकारी, वरीयता क्रम अधिकारी, अरे डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर आए तो प्रोटोकॉल के तहत लेने कौन जाएगा, एयरपोर्ट पर या कहीं पर भी लेने कौन जाएगा, डीएम ही लेने जाएगा, कलेक्टर ही लेने जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है किसी भी सिपाही से बोल देगा जाओ उठा लो किसी को भी, तो प्रोटोकॉल को मैनेज तो करेगा ना, तो प्रोटोकॉल का चीफ होता है वो, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट प्लान इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होती है, उसका इंचार्ज होता है कि डिस्ट्रिक्ट के सारे प्लान जो इम्प्लीमेंट होंगे वो करवाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में जो बफर का काम करता है, डिस्ट्रिक्ट में बफर का काम करता है वो, जैसे मान लेते हैं पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच प्रॉब्लम हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक से नाराज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज है, तो डीएम संभालेगा इसको, डीएम मैनेज करेगा इसको। ऐसे ही अगला काम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर का मतलब है जिला निर्वाचन अधिकारी है, जब सांसद के चुनाव होंगे, लोकसभा के, विधायक के चुनाव होंगे, एमएलए के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, तो उस टाइम पर रिटर्निंग ऑफिसर ये होगा, यही इलेक्शन करवाएगा, उम्मीदवार इसी के सामने पर्चा भरने जाएंगे, यही जीत का प्रमाण पत्र देगा, नहीं आया समझ में, क्लियर का। तो ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार जिले के जिलाधिकारी जिले के समस्त कार्यों को करता है, इसलिए कहा जाता है कि जिलाधिकारी राज्य सरकार का जिले में प्रतिनिधि होता है, एजेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन डिस्ट्रिक्ट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर को भेजती है और कहती है डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करो चलाओ। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम ये चार है, लेकिन इसका जो मेन काम हुआ ना, मेन काम वो है मैनेजमेंट करना, क्यों, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट है 40-50, इनमें कोई ओवरलैपिंग ना हो जाए, अरे जैसे आज कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट पुलिस में झड़प ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए कोरोना को लेकर, तो डीएम का काम क्या है, सब में कोऑर्डिनेशन करना, सब में मैनेज करना उनको, क्लियर है। अगर पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इनमें से कौन सा काम जिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप कहेंगे मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन, समन्वय अथवा प्रबंधन, क्लियर है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात आती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हायरार्की क्या है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि सर एक बार पूरी हायरार्की समझा दो कि कैसे कैसे चलता है, तो देखिए ऐसा होता है, स्टेट है, राज्य है, ठीक है, राज्य का जो हेड होता है वो या तो गवर्नर होगा या चीफ मिनिस्टर होगा, ये दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है, गवर्नर होगा या चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, गवर्नर नॉमिनल हेड, नाममात्र का प्रमुख, चीफ मिनिस्टर रियल हेड, वास्तविक प्रमुख, मतलब चीफ मिनिस्टर सलाह देता है, गवर्नर के नाम से काम चलता है। और इसके बाद सेक्रेटेरिएट होता है, सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय होता है, सचिवालय का मतलब, अब देखो मंत्री वगैरह तो ज़्यादातर कुछ करते नहीं है, मंत्री तो सिर्फ आदेश देते हैं, सेक्रेटरी उन आदेश का पालन करता है ना, अभी ऐसे आज की डेट में आप देख रहे होंगे कोरोना को लेकर आदेश जो आ रहे हैं नीचे सेक्रेटरी लिखा आ रहा है हर बार, चीफ मिनिस्टर का आदेश नहीं आ रहा होगा कहीं भी, क्यों, क्योंकि ऑफिशियल जो ऑर्डर देने की पावर होती है संविधान के अनुसार या भारत के नियमों के अनुसार वो सेक्रेटरी के पास होती है, तो सेक्रेटेरिएट होगा उसका हेड कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, फिर उसके बाद पूरा जो राज्य सचिवालय होता है वो बहुत सारे डिवीजन में बटा होता है, डिवीजन या मंडल में बटा होता है, हिंदी में मंडल कहते हैं इसको, क्लियर हो गया। और हर डिवीजन का जो हेड होता है वो डिवीजनल कमिश्नर, मंडलायुक्त होता है। नेक्स्ट, और डिवीजन जो होती है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बटी होती है,
और हर डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट जो होती है वो सब डिवीजन में बटी होती है, और सब डिवीजन का इंचार्ज सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट या सब डिवीजनल ऑफिसर SDO या SDM होता है, और हर सब डिवीजन जो है वो तहसील में बटी होती है, और तहसील का इंचार्ज तहसीलदार होता है, ठीक है। और जो हर तहसील जो होती है वो सर्किल में बटी होती है, सर्किल का इंचार्ज रेवेन्यू इंस्पेक्टर या कुछ जगहों पर कानून वो होता है, और सर्किल जो होता है बहुत सारे विलेज में बटा होता है, और विलेज का इंचार्ज पटवारी होता है, ये कानून वो और पटवारी मौलों के द्वारा दिए गए सकते हैं। यहां तक समझ आ गया? तो ये है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हायरार्की, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में भेजती है DM को और कहती है कि जा भाई इसको पूरे को मैनेज करके आ। तो ये है जिलाधिकारी की हायरार्की, पदसोपाल, और इस माध्यम से जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट में कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए, चूंकि जिलाधिकारी के पास काम तो बहुत सारे हो गए, पुलिस का भी काम हो गया, मेडिकल का भी काम हो गया, रजिस्ट्रेशन का भी काम हो गया, रेवेन्यू का भी काम हो गया, GAD का भी काम हो गया, जेल का भी काम हो गया, फॉरेस्ट का भी काम हो गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट तो पूरे इसको संभालना है, बस फर्क इतना है कि कुछ को डायरेक्टली और कुछ को इनडायरेक्टली संभालना है। तो इसीलिए एक बार ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे आज़ादी से पहले, ब्रिटेन के, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ऐसी पोस्ट है जो कछुए जैसी है, टॉर्टराइज जैसी है, कछुए जैसी, और उसके ऊपर हाथी का वजन रखा है, हाथी का मतलब एक कछुआ है, उसके ऊपर तुमने हाथी का वजन रख दिया तो क्या होगा कछुए का? क्लियर हो गया? कछुआ मतलब ऑफिसर अधिकारी, बोझ 50 डाल दिए तुमने। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है DM पहले फंसता है। अरे अभी जैसे कोरोना प्रॉब्लम आई तो नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सस्पेंड हुए, क्यों? क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी, नोएडा में सारी जो प्रॉब्लम सॉल्व होनी थी तो उन्हीं के माध्यम से होनी थी, तो गवर्नमेंट ने सीधा उन्हीं बोला बेटा। इसीलिए जब भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी डिपार्टमेंट में होती है, वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका जिम्मेदार होता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बाकी इसका जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं।